तो दाउद इब्राहिम अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत कलरफुल कैरेक्टर है ये और बहुत ही बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है प्ले करने के लिए तो बहुत अच्छा लगा एंड वी प्रिपेयर्ड वेल और uh, अच्छा निकल रहा है। आप का का प्ले कर आया है बिल्कुल बहुत मज़ा आया साथ में काम करके आ, आ, मैं बड़ा भाई प्ले कर रहा हूँ मूवी में एंड वैसे मैं छोटा भाई हूँ एंड इट वॉज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में हम स्क्रीन uh, शेयर कर रहे हैं एंड वैसे भी हम साथ में रहते हैं काफ़ी मस्ती करी हमने और काफ़ी अच्छा करेक्टर है साबिर इब्राहिम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग करैक्टर है एंड ही इज़ मोस्ट डेंजरस गाय ऑफ डी कंपनी एंड भाई के साथ काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आया जितना मतलब काफ़ी एक्साइटेड था मैं काम करने से पहले तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में सर राम गोपाल वर्मा सर के साथ काम करना उसके बाद भाई के साथ काम करना एंड इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर प्ले करना तो काफ़ी मज़ेदार रही है जर्नी बिल्कुल आ, तो साबिर इब्राहिम का करैक्टर जो भी था जब स्क्रिप्ट आई थी तो उसको पढ़ के और उसके बाद आ, कुछ रिसर्च करके इंटरनेट पे या फिर गूगल से या एक दो लोगों से मिले हम जो कि उस टाइम के थे इराके थे उस समय हम गए भाई के साथ हम दोनों गए थे डोंगरी में तो वहाँ से हमने पता किया कि किस तरीके से उन उठना बैठना था कोई रियल में तो तब भी ज़्यादा लोग नहीं मिले जो उनसे मिले थे बट हाँ कि इस तरीके से चलना इस तरीके से उठना तो वो बॉडी लैंग्वेज और बाकी रेफरेंसेज जो भी थे उसको दिमाग में रखते हुए वो रोल प्ले किया जाते सो so, राम गोपाल वर्मा इज रियल डॉन तो उनका पूरा पूरा योगदान था एंड उनकी रिसर्च पिछले 20 साल से चल रही है इस टॉपिक को लेके तो उसने बहुत हेल्प करी कैरेक्टर को बिल्ड करने में उनको एक्जैक्टली exactly पता था कि दाऊद इब्राहिम उस इरा का कैसे रहा था और किस तरीके से था तो उसने बहुत हेल्प करी रिसर्च ने उन्हीं की वजह से हम लोग ये कैरेक्टर को बिल्ड कर पाए एक्चुअली